चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं और वीडियो के लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्विकर स्टडी में। मैं कमल बिष्ट। इस वीडियो के माध्यम से आपको यहां पर रीजनिंग की मैट्रिक्स के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, हमारा रीजनिंग मैट्रिक्स, जैसा कि हमारा हर एक लगभग कॉम्पिटिशन में आजकल पूछा जाता है दोस्तों, ये हमारा ये रीजनिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और खासतौर पर हमारा SSC के एग्जामों में ये अवश्य ही क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। और ये क्वेश्चन हमारा बहुत ही आसान होता है। यहाँ पर हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है ट्रिकों का, कुछ हमें लॉजिक यहाँ पर होते हैं हमारे, जो जिनको हमें ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा बहुत लंबा है अगर हम स्टेप टू स्टेप करें। लेकिन हम थोड़ा सा यहाँ पर लॉजिकली काम करें तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही कम समय में हो जाता है। तो दोस्तों, हम वही लॉजिकों की बात करेंगे यहाँ पर। तो दोस्तों, आप ये वीडियो हमारी प्रथम से लेकर अंत तक देखिएगा और ये क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे आने वाले कॉम्पिटिशनों में। देखिए, हमें दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है। हमें दो मैट्रिक्स यहाँ पर दी हैं। पहली मैट्रिक्स यहाँ पर नंबर 1 है और ये नंबर 2 वाली। अब देखिए, दोनों में हमें कुछ यहाँ पर नंबर दिए हैं, कुछ हमें यहाँ पर अल्फ़ाबेट दिए हैं। दोस्तों देखिए, पहली चीज़ क्या है, पहली चीज़ हमें ये पता होनी चाहिए हमारी ये मैट्रिक्स क्यों कहलाती है। दोस्तों, मैट्रिक्स का मतलब होता है हम कुछ नंबरों को या हम कुछ वर्डों को जब हम रो और कॉलम में अरेंजमेंट करते हैं उनका, तो वो हमारी एक मैट्रिक्स कहलाती है। अर्थात यहाँ पर देखिए, कुछ यहाँ पर रो हैं, कुछ कॉलम हैं। ये हमारे जो तिरछी वाले हैं दोस्तों, ये हमारी रो कहलाती हैं और जो खड़े वाले हैं, ये हमारे कॉलम कहलाते हैं। अर्थात हमने क्या किया, हमने कुछ नंबरों का, कुछ वर्डों का रो और कॉलम में अरेंजमेंट कर दिया, तो यही हमारी क्या बन गई, एक मैट्रिक्स बन गई। तो इसीलिए हम बोलते हैं इसे रीजनिंग मैट्रिक्स। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर रो को हम हिंदी में पंक्ति बोलते हैं और कॉलम को स्तंभ बोलते हैं। अब देखिए, पहला वाला जो आपका नंबर होता है इनमें, जैसा कि आपको यहाँ पर नीचे यहाँ पर दिया है नंबर, पहला वाला नंबर आपका रो का नंबर होता है दोस्तों। ये पहला वाला जो भी नंबर होगा वो रो का नंबर होगा और दूसरा वाला आपका कॉलम का नंबर होगा। तो जो नंबरों का अरेंजमेंट होता है वो इस तरह से होता है, RC। अब देखिए, पहला R11, फिर C11 आएगा, तो इस तरह के नंबर आए को बनते हैं। पहला वाला नंबर देखेंगे तो आप रो में देखेंगे और दूसरा वाला नंबर देखेंगे तो आप कॉलम में देखेंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। और आपको देखिए, क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, जैसा कि आपको एक वर्ड दिया रहता है यहाँ पर, एक यहाँ पर आपको दे दिया PENT। अब देखिए, PENT को आपको चेक करना है कि PENT के लिए कौन सा यहाँ पर हमारा अरेंजमेंट यहाँ पर सही है। अब देखिए, इतने सारे हमें अरेंजमेंट दिए हैं, इनमें से एक ही हमारा होगा PENT को जो सही रिप्रेजेंट कर रहा होगा, अर्थात जो इनकी सही पोजीशन बता रहा होगा। क्योंकि P की जो पोजीशन होगी वो और E की और N की और T की, चारों की हमारे यहाँ पर सही पोजीशन दिखाने वाला एक ही हमारा अरेंजमेंट होगा और वो अरेंजमेंट हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों, हमें यहाँ पर चार दिए रहते हैं, चार यहाँ पर हमारे अरेंजमेंट दिए रहते हैं, इनमें से हमें एक को चूज करना पड़ता है। तो इसके लिए हमारी एक बहुत ही अच्छी यहाँ पर चीज़ें आपको ध्यान देनी पड़ती हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, वो हमारी क्या है दोस्तों। देखिए, आप जब भी चेक करेंगे तो पहला काम आप करेंगे PENT, आपने अलग अलग लिख दिया, क्योंकि पहला P वाला इनके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा, E वाला इनके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा, N वाला इनके द्वारा और P वाला इनके द्वारा। अब देखिए, यहाँ पर आप चेक यहाँ पर P से नहीं करेंगे बल्कि आप T से करेंगे, क्योंकि आप यदि P से करते हैं तो आपको लंबा यहाँ पर टाइम लग जाता है। एक एक करके चेक करते करते आप यहाँ पर बहुत ही यहाँ पर धीरे धीरे कर पाते हैं और आपका काफ़ी टाइम वहाँ पर चला जाता है एग्जाम में। तो आप क्या करेंगे, पहले पीछे से शुरू करेंगे। आपने टी यहाँ पर शुरू किया, टी को पकड़ा, तो टी में आप चेक करेंगे 6-6। आप यहाँ पर टी का देखेंगे नहीं बल्कि इनके आधार पर निकालेंगे। आपने देखा 6-6, अब आप देखेंगे कि 6-6 में टी आ रहा है या नहीं आ रहा है। आप देख रहे हैं 6 आपका कहाँ है, 6 यहाँ पर है। देखिए, 6-6 में दोस्तों आपका आई आ रहा है बल्कि हमें चाहिए था टी, तो ये आपका गलत हो गया पहला वाला। तो आपको अब चेक करने की आवश्यकता है नहीं, ये वाली आपकी जो ये वाली यहाँ पर लाइन है ये गलत है, अब आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं है। अब आप अगली वाली को चेक कीजिए। अब देखिए, आपका 7-8 है, 7-8 में देखिए आप टी है या नहीं है, आपका 7 ये है और 8 यहाँ पर ये है, तो यहाँ पर दोस्तों पी दिख रहा है आपका, तो 7-8 में आपका पी दिखा, तो ये भी आपका गलत हो गया जबकि आपका टी होना चाहिए था। तो ये वाली भी आप छोड़ देंगे। अब बचे केवल आपके 2। अब दोनों को चेक करेंगे, दोनों में आपका 1 में 8-7 है, 8-7 में देखिए 8 और 7, तो टी है, तो ये सही है। और 5-8 को देखिए, 5 और 8, यहाँ भी टी है, ये भी आपका सही है। तो आपके केवल 2 बचे। अब दोनों में आपको चेक करना है कि कौन सा वाला सही है। अब जब आपका एक चेक हो गया दोस्तों टी वाला, अब आप अगला वाला चेक करेंगे। आप मान लीजिए आपने एन वाला पकड़ लिया, अब आप एन वाले को चेक कर लीजिए, क्योंकि 2 बचे हैं आपके, दोनों में से एक को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब एन में आपने देखा, अब आप इनको नहीं देखेंगे बल्कि आप जो बचे हैं उनको देखेंगे। 3 और 4 देखिए, 3 और 4 में आपका एन आना चाहिए, 3 यहाँ पर है, देखिए दोस्तों 3 आपका रोम हो गया, 3 और 4 को देखिए, अब आप 4 यहाँ पर है आपका, तो यहाँ पर आपका देखिए दोस्तों ई दिख रहा है,
जबकि आपका होना चाहिए था एन होना चाहिए था, तो तीन और चार में आपका ई है, तो ये भी आपका गलत हो गया। तो ये गलत हो गया, तो ये वाली भी आपकी गलत होगी। अब बची आपकी एक, तो ये वाली बिल्कुल आपकी ट्रू होगी दोस्तों, ये आपकी सही होगी। तो आपको चेक करने की यहाँ पर आवश्यकता है नहीं, आप टिक कर देंगे नंबर आपका फोर वाला सही है आपका। तो इस तरीके से आपको इनको चेक करना पड़ता है। यदि आप यहाँ पर देखिए, शुरू में आप पी को चेक करते, पी के आपके सही आ जाते, फिर आप ई को चेक करते, तो आपको बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता। तो इसलिए आप थोड़ा सा यहाँ पर स्मार्ट वर्क करेंगे और आप यहाँ पर दोस्तों पीछे से शुरू करेंगे चेक करना। इनमें हर एक बार यही होता, आप पी यहाँ पर यदि आप पी को देखें तो पी के सारे सही होंगे, तो आपको बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा वहाँ पर। अब देखिए हम अगला क्वेश्चन करते हैं, आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन दूसरा करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से यहाँ पर समझ में आ जाएगा। तो आप इसे भी एक बार ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा दोस्तों, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर आपको दिया है एन ओ टी ई। अब देखिए एन ओ टी ई में आपको निकालना है, तो आप पहले लिख देंगे वैसे ही यहाँ पर आपका ऊपर जगह, नहीं तो आप नीचे लिख दीजिए एन ओ टी ई, ये आपने लिख दिया। अब आपको पहला क्या चेक करना है, पहला आपको वही लास्ट ही लेना है, पीछे से शुरू करना आपको ई वाला चेक कीजिए। आप ई वाले में आपको देखिए पहला आपको दिख रहा है तीन चार, तो तीन चार में आपका ई है नहीं है, देख लीजिए तीन और चार, आप देख रहे हैं ई है आपका तीन चार, तो ये आपका यहाँ पर पहला वाला सही हो गया। अब चेक कीजिए आप यहाँ पर एक चार को, एक और चार, एक और चार में देखिए आप यू आ रहा है आपका, तो ये वाला आपका गलत हो गया बिल्कुल, तो आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं। अब अगला वाला आपका है दो एक, अब दो एक में क्या आ रहा है आप देखिए, दो और एक में आपका ई आ रहा है, तो ई आ रहा, तो ये भी ठीक है आपका दो और एक वाला भी। अब अगला वाला चेक कीजिए आप, चार और तीन आपका है, चार और तीन, चार और तीन में आपका देखिए एस आ रहा है यहाँ पर, तो ये भी आपका गलत हो गया। तो आपके देखिए दो गलत हो गए और दो आपके केवल सही हैं, तो आपको यहाँ पर इतना पता लग गया कि आपके केवल दोनों में ही आप चेक करेंगे, ये वाली काट देंगे और ये वाली दो लाइन आपने काट दी, अब केवल आपको दोनों में चेक करना है। तो अगला वाला आपका चेक करेंगे दोस्तों, आप ओ वाला चेक कर लीजिए आप। यदि आप ओ वाला देखते हैं, देखिए ओ वाले में पहला क्या है बचा हुआ, सात पाँच, तो सात पाँच में देखिए सात सेवन और फाइव, तो सात पाँच में दोस्तों यहाँ पर आपका आई आ रहा है, जबकि आपका होना चाहिए था ओ, तो ये भी आपका गलत हो गया, तो ये भी गलत हो गया, ये भी काट दीजिए आप। अब बची आपकी केवल एक लाइन देखिए, तो यही आपकी केवल सही हो जाएगी। आप चेक करेंगे तो छः सात यहाँ पर आपको छः और सात में वो मिल जाएगा, तो ये आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, चेक करने की आपको आवश्यकता है ही नहीं बिल्कुल, तो आपका ये तीन वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए आपने कुछ भी यहाँ पर नहीं किया, केवल आपका दो तीन सेकंडों के अंदर यहाँ पर 10 सेकंड के अंदर लगभग पूरा सॉल्व हो गया। तो आपने क्या किया, कुछ नहीं, पीछे से आपने शुरू किया करना और आपने बिल्कुल जो गलत थे उनको काट दिया और जो सही थे उनको चेक करते रहे आप। पेंसिल और रबर आपने अपने साथ एग्जाम में रखी है और इस तरह से इनको हल्का काट के और फिर बाद में मिटा के आप अपने यहाँ पर क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारी यहाँ पर रीजनिंग मैट्रिक्स थी, ये हमारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण वाले क्वेश्चन थे और इन्हीं के आधार पर दोस्तों कोई भी क्वेश्चन आता, तो इनमें कोई भी यहाँ पर अलग टाइप का नहीं होता, इनके यही एक बेसिक टाइप है, यही क्वेश्चन हमारे आते हैं। अब मान लीजिए वहाँ पर ये हो सकता है कि आपके यहाँ पर थोड़ा सा एक आध कॉलम बढ़ा दी गई हो, एक आध रो बढ़ा दिया गया हो, या फिर कुछ और वर्ड यहाँ पर निकालने का आया हो, लेकिन क्वेश्चन का जो हमारा मेथड यहाँ पर तरीका होता करने का यही होता है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से, अब हर एक कंपटीशन में यदि आपने एक क्वेश्चन हमारा पूरा देखा होगा तो आप हर एक कंपटीशन में कर लेंगे। तो दोस्तों हम इस तरह से और अन्य यहाँ पर ठीक है और रीजनिंग के जो भी यहाँ पर टॉपिक है उनको आपको बता दे जाएंगे और एग्जाम में नए नए जो अपडेट आते हैं या फिर मॉडल पेपर हमारे होते हैं आर्मी या SSC के या फिर अदर एग्जाम के हम आपको बता दे जाएंगे। हमारे साथ बनी रहेगा दोस्तों। ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके थैंक्स।